ये है हमारा पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भाई, रेसिंग। हमने टेस्ला चला रखी है, तेज इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रखी है, इलेक्ट्रिक साइकिल चला रखी है, बट कूड़ी भाई ब्रुम ब्रुम। अरे मैं बताता हूँ, देखो हुआ क्या, आपने कोई को मिल गया देखे ना, जादू ने बनाई है, जादू ये वाली स्कूटी चलाता था, इलेक्ट्रिक बन गई, समझ रहे हो? नहीं, ये वाली बैटरी से चलेगी। ओहो, यहाँ पे लिखा वार्निंग, हो सकता है जादू के प्लैनेट पे पहुंचा दे। ट्रैवल भाई, एडवेंचर, बोलते भाई फटाफट इसके अंदर से। ओ भाई आ गई, भाई आ गई, ये वाली तो सोलर फूक से चलेगी क्या भाई? इलेक्ट्रिक के भी ऊपर, इसमें ऑटोमेटिक भाई, इसको तो चार्जिंग भी करने की जरूरत नहीं थी, हमको एसी की कमी थी यार, तभी तो चल नहीं रही थी। ऐसे आपको लग रहा है चार्जर तो बाइक से बड़ा है, बट यही तो बात है यार, लाइफ बड़ी होनी चाहिए ना। अब आ गया असली टाइम, आ गया भाई हमारे पास। वो 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 भाई, अब खुल गई बाइक, ये है हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर, इससे ब्रूम ब्रूम करने का टाइम आ गया भाई। जिन लोगों ने पता, जादू भैया ने मेरे को दिया था, वो मतलब आते थे अपना धूप सेक के निकलते थे, तो ये भाई अपना जैसे नॉर्मल स्कूटर होता है दिखने में वैसी है भाई, हाथ में भाई सही ग्रिप आती है यार इससे, और जो ब्रेक भी है वो इनकी तार में आ रही। वाह भाई क्या मजा है, ट्रेनिंग ली थी मैंने इसकी। बैक साइड में अगर आप देखो, यहाँ पे हुक लग रखा है, पूरे एक फ्लैट ऐसे रबराइज प्लेटफॉर्म है, मतलब दिखने में थोड़ी हल्की लगी बट है अच्छी खासी भारी, मतलब दो हाथ से उठा पा रहा हूँ मैं, एक सिंगल हाथ से उठा तो लूंगा बट बस एक बार, अब कल कुछ नहीं उठा पाऊंगा भाई, सब कुछ है भाई इसके अंदर, दिस इज द फ्यूचर भाई। आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में हम गाड़ियां चलाएंगे? नहीं, हमको ये चाहिए भाई फ्यूचर के अंदर। काफी हद तक भाई भारी वर्क है, मतलब मेरे को ऐसा डर नहीं लग रहा कि इसके ऊपर बीच में से टूट जाएगा ऐसा कुछ। भाई स्टैंड कैसे खुलता है यार, नजाकत देखो भाई, जुनून नहीं पता, जादू के प्लैनेट से भाई, इसके ऊपर जैसे आप चढ़ते हो ना, मुझे सब दिखाई दे रहे माँ, सब हो जाता है भाई, चश्मा लगाया तो दिखाई देगा ही। क्या बात है सर, पूरा ही सॉलिड मेटल का है, और इसके जो टायर भी है पूरे प्लास्टिक के टायर है, रबर के टायर नहीं है, जैसे रबर वाला टायर होता है ना, पंचर नहीं हो रहा भाई। बैक साइड वाला टायर भी नो पंचर भाई। बैक साइड में अगर आप देखो, डिस्क ब्रेक लगा रखी है भाई, अगर आप इसमें नोटिस करो, ये वाली ब्रेक की वायर जा रही है येलो कलर की, और यहाँ से ऊपर जा रही है, और यहाँ पे अगर देखो एक और केबल जा रही है ब्लैक कलर की, ये फ्रंट वाले टायर के अंदर, इस पे बैलेंस भी कर सकते हैं भाई, ये लाइफ की तरह एकदम बैलेंस्ड। भाई अपने अब तक उद्घाटन नहीं किया, तो बोलो नहीं नहीं ये नहीं 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 भाई, ब्रेक ब्रेक, मैं एक्चुअली ब्रेक की तो काट रहा था, मेरे को लाइफ में चाहिए ना ब्रेक, हम तो फिफ्थ गियर पे चलाते हैं, मैं ब्रेक तो मैं मारता ही नहीं, मेरी गाड़ी में से मैंने ब्रेक पैडल ही उखाड़ दिया भाई, इसलिए आप पैदल आ रहे हो भाई, इसको चला के देखते हैं भाई, सब खाली कर दो रास्ता, जैसे कि देख सकते हो इसमें ना एक फ्रंट टायर है और बैक वाला टायर है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, इसमें आप पूछोगे बैटरी का है चार्जिंग का है, दिखाता हूँ भाई, ये देखो ये जो नीचे पूरा है ये इसकी बैटरी है, अगर चेंज करने स्क्रू व्रू खोलने पड़ते हैं, यहाँ पे चार्जिंग वाला लग जाता है भाई, बढ़िया चार्जिंग वार्जिंग करो मजा आ जाता है। ऊपर की साइड देखो, यू बोर्ड कंपनी का ये है, और यहाँ पे एक ऑन बटन दे रखा है, ये एक्सेलरेटर, अरे घंटी, अरे ब्रेक, डबल ब्रेक होते हैं और मजा आता। ओ भाई यही तो चाहिए था हमको ये, लेकिन चल नहीं रहा इसको दबाने से, लग रहा है चार्ज नहीं होता, क्या कि देखो मैं होता थोड़ा सा आगे धकेलना पड़ता है फिर ये चलते, ये देखो ओ वो वो भाई क्या घुमा रहा हूँ यार, बस आगे नहीं जा रहा भाई। इसमें जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे स्पीड लिखी है, जैसे अगर मैं तेजी से चला रहा हूँ, ये 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, और ये इको ड्राइव पोर्ट सिंगल एक ही बटन है, पावर बटन, इसी से मोड चेंज होता है, नीचे की तरफ आपको बैटरी देखने को मिलती है, डबल टैप करोगे सामने लाइट मारता है, जूम जूम जूम, स्कूटर पे आ गया भाई, मेरे को डर लग रहा हूँ जाके, मैं पीछे अपनी माफियाओं को बढ़ाएंगे और सामने हम बैठ गए, जूम 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 गेड़िया भाई। तो हमारे साथ आ चुके हमारे स्पेशल सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप? नाइस मीटिंग, हम करेंगे काफी इंटरेस्टिंग कंपटीशन, हम लेके आए हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ, भी बोतलें थी हमने अरेंज कर दी, इसके आर पार ऐसे जूम जूम करके सांप की तरह निकलेंगे, और जो बिना बोतल गिरा है एकदम आर पार कर दे उसको हम देंगे एक स्पेशल गिफ्ट। क्या लग रहा है कॉम्पिटिशन के बारे में बताओ? मैं तो सारी बोतलें गिराऊंगा, आई थिंक हो जाएगा, जो भी जीतेगा उसको मिलेगा ओवरलेस की तरफ से एक स्पेशल। कौन पहले निकला पुगम करें? 1 2 3 ये तुम दोनों पहले निकल गया लग रहा है यार, ओ ओ मैं बोला था यार मैं हमेशा से विनर हूँ, ये एक बोतल इन्होंने गलत रख दी थी इसलिए ये वाली पार नहीं होगा। कोई नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 14 सेकंड में 10 बार पैर लगाया भाई ने, नीचे 3 4 5 तो विनर को मिलते हैं गिफ्ट्स, भाई को मिलेंगे क्योंकि भाई ने 12 सेकंड के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करा है। 2 हमारे पास गिफ्ट्स हैं और ये दोनों गिफ्ट्स हम विनर को देना चाहते हैं। ये सर आपके लिए, थैंक यू सो मच, देखो मेहनत तो करी गई थी तो इसलिए इसको मैं रख लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया, और ये वाला स्पेशल पैकेज है, इसमें ओवरलेज और लेयर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स, काफी स्पेशल स्पेशल, काफी अच्छे अच्छे
तो ये कपड़े हैं और स्किन से क्या क्या अलग अलग लगा, क्या क्या चीजें करी, क्या सही है, अच्छा लगा किसी चीज में, अच्छा नहीं लगा? बातें करने में बहुत मजा आया, पर्सनल लेवल पे जो भी बातें करी बहुत बढ़िया था, वो एज ए जेन्युइन भी, मतलब कनेक्ट बहुत अच्छा हुआ। काफी कुछ सीखने को मिला क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ, मतलब नॉट इन दिस, बट ऑफिस वगैरह देख के सेटअप कैसे होता है सारा चीज, कॉन्टेंट प्रोडक्शन, काफी कुछ सीखने को मिला। टीम से बात किया, अभी और बात करना है। बाइक चला के मजा नहीं आएगा? बाइक मजा आया, ठीक है, जीत गए, कोई फर्क नहीं भाई, विनर से ले लो, ले लो, एक बार जीत गए ना फिर उसके बाद कोई इज्जत ही नहीं भाई। इससे बड़ी चीज ये है कि इनके साथ खड़े हैं, अरे भाई ये देखो, यही सब तो इसी के तो पैसे दिए थे। चलो भाई चलो भाई, यही तो मेरे पास स्किल सेट है यार। अब आ गया स्पीड टाइम चलाने का भाई, अब मैं डाल दिया मैंने स्पोर्ट्स मोड के ऊपर, स्पोर्ट मोड ऑन कर दिया, लाइट भी चला दिया मैंने, आई एम 100% रेडी। ये तो जाते जो भाग रहा, भाई स्किट मारी मैंने ये, हाँ भाई मेरी सांस रुक गई 2 मिनट के लिए। मैं हूँ यार हैवी ड्राइवर, हमेशा जब भी मैं चलता हूँ मैं अपने साथियों को साथ लेके चलता हूँ, इसको मैं सॉरी मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए इसको साथ लेके चली, जैसे हमने इसको रखा ऐसे आपको माशूमा को बैठा के चलाना, या फिर आपको सामान वान रखना, मम्मी ने बोला धनिया लेके आओ तो धनिया मुंह में डाल लेना, और ये भाई को अपने साथ रख लेना, कुछ करेगा, वी नीड टू गिव आवर फ्रेंड अ गुड राइड। ऊपर में इसने हाफ पेमेंट कर दी भाई, तू चलेगा इसके ऊपर, मैं डर लग रहा है, लगा तो आप चला ले जैसे कि देख सकते हो भाई, ब्रेक इसमें फ्रंट वाले टायर में लगती, ब्रेक पीछे वाले में लगती, और ब्रेक जब भी दबाओगे ना तो ये भी जल जाती है पीछे वाले। मम्मी का कॉल आ गया भाई। हाँ मम्मी क्या हो गया? हाँ बेटा वो तुरी स्कूटर लिया था ना। हाँ हाँ मम्मी सब्जियाँ लेके, ओके सब्जी लिखा है, सब्जी लिख, मम्मी ने बोला सब्जी, आज तो पालक पनीर मम्मी के लिए, कुछ भी, हमको जाना पड़ेगा तेजी से तभी वापस आ पाएंगे। सार्थक भाई हाय, मम्मी तक सामग्री पहुंचानी पड़ेगी हमें, लेट्स गो मम्मी, ये लो सब्जी आपकी। ओके बेटा थैंक यू बेटा, मैं डालूंगी दिस। हम करेंगे ब्रेक टेस्ट, यहाँ पे हमने बॉटल रख दी, देखते हैं कितनी दूर रुकता है। थोड़ी पास से मारी थी, गिर गई होता है, ये एक्चुअली प्लास्टिक टायर्स हैं, इसी वजह से टाइल्स पे काफी ज्यादा स्लिप कर रहे हैं, और जो टायर्स रुक गए थे बट लाइक गाड़ी नहीं रुकी, फिर से करते हैं। जस्ट रोक दिया भाई मैंने टायर से भाई। ब्रेकिंग वैसे सही है अगर कंट्रोल में करो तो, ड्रिफ्ट भी मार सकते हैं ऐसे, क्या भाई ने ड्रिफ्ट मारी। अब आ गया भाई टाइम ग्रिप टेस्ट, हाथ गीले चेक करके ग्रिप करेंगे भाई, कहीं जैसे प्यार में पिसले थे ऐसे यहाँ हाथ ना पिसल जाए। ग्रिप ऐसे अच्छी है यार, को पकड़ के ना मतलब मसाज सी फील आ रही है, ये मैं फोर आर्म्स की ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ। ओ यार मैल भी निकल गया हाथ का यार थोड़ा सा। व्हाट इज अप मेरे शेरो, वी आर हियर फॉर द राइड, राइड और डाई, हेवी ड्राइवर फॉर लाइफ, मेरे को प्यार से लोग राइडर प्रोवाइडर बुलाते हैं। मजे ले रहे होगा भाई, मैं स्पोर्ट्स मोड डालू भाई, क्या हो गया डर गए क्या? व्रूम व्रूम व्रूम, 3 2 1 क्या हो गया भाई, आ गई मेरी स्कूटी, ये छोटा चेतन ने बड़ा धमाका कर दिया भाई, मजा तो आता है इसको चलाने, फिर को मजा आ गया, मेरे को पसीने बता नहीं क्यों आ गए, बट खड्डों में बड़ी दिक्कत होती है यार, इसके ना प्लास्टिक के टायर हैं मेरे भाई, वाइब्रेशन ऊपर तक आ जाते हैं छाती तक भाई। लाइट भी जला दी मैंने, क्या हो गया भाई डर नहीं लगता मेरे को भाई, काफी तेज चलती है। गाड़ी वाड़ी में फिट करनी हो अपना जाना लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, साइकिल नहीं आती ना साइकिल में, ये दिक्कत रहती है, साइकिल बहुत बड़ी है, तो भाई मजा ही आ गया चला गया भाई। मैं जब चलाने में सोचा था ना तो मेरे को लगा यार ऐसी है मतलब ठीक ठाक है स्कूटी टाइप है, बट इसकी मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है जो नहीं लगती भाई, 25 मतलब अच्छा खासा तेज है, मतलब अगर आप गिरे तो हेलमेट लगा के चलाना, अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे एक्चुअल स्कूटी के थोड़ा थोड़ा बराबर चल पाती है, स्कूटी को कैच अप कर पा रही थी जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, हमने काफी ज्यादा तेज चला के देखा। एक्चुअली इसके टायर ना प्लास्टिक के तो गड्ढे वड्ढे के ऊपर चलाओ ना बाउंस वाउंस ज्यादा करते हैं, और मतलब ये दिल तक पहुंच जाती है भाई ये दर्द, ब्रेक काफी अच्छा काम करती है मेरे हिसाब से, अगर रबराइज टायर होते ना तो और ज्यादा मजा आ जाता, जहाँ पे हल्का फुल्का स्किड करता है वहाँ पे नहीं होता। इसका फायदा मेरे को ये भी लगा कि अगर समझ लो रोड ट्रिप पे कहीं पे लेके जाना है इसको भाई, गाड़ी की डिक्की में डाला अपना भाई पहुंच गए, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ मनाली वनाली निकल गए लेके दौड़ा रहे हैं वो पहाड़ियों में वादियों में, मस्त है भाई मेरे को काफी तगड़ा लगा। सही बताऊं तो मेरे को साइकिल से बेटर लगा क्योंकि ऑलमोस्ट साइकिल जितना ही तेज चल पाता है, बट इसकी एक चीज मेरे को सही नहीं लगी वो है इसका प्राइस 43 to 50 thousand कह रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है, मतलब ऐसे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए 10-15 हजार और डालोगे तो एक्चुअली एक बाइक या स्कूटी आ जाती, बट मेरे को इसको चला के काफी ज्यादा मजा है। होपफुली आपको वीडियो देख के आओ, अगर आओ तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। बाय बाय बाय। ओ मैं डरा नहीं था, मैं वो केयर कर रहा था कि कहीं लग ना जाओ, माय गॉड।